एवरीवन, दिस इज मोहम्मद सादिक फ्रॉम फैदम एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, बट बिफोर दैट कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, जो वहाँ पर रिजल्ट्स हम लोगों ने निकाले थे, उस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। इजी टाइप के क्वेश्चंस भी इस तरह के आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में कभी कभी। और इसका जो जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, तो सुपरपोजिशन का जो रिजल्ट था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझने के लिए। सो एक क्वेश्चन ये है कि टू कोहरेंट सोर्सेज एट अ पॉइंट, दो कोहरेंट सोर्सेज हैं से S1 और S2, इसकी वजह से जो वेव है वो एक पॉइंट पर पहुंच रहा है और दूसरे सोर्स की वजह से भी वेव उसी पॉइंट पर पहुंच रहा है। सो दो कोहरेंट सोर्सेज से वेव ट्रेवल करके एक पॉइंट पर आकर सुपर इम्पोज कर रही हैं। अब पहले सोर्स की वजह से जो वेव है उसका इक्वेशन दिया हुआ है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, और दूसरे सोर्स की वजह से जो वेव है उसका इक्वेशन दिया हुआ है 2E0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, इस तरह से दिया हुआ है। एंड देन ये जो दोनों वेव्स जो हैं ये सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। से ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी प्रोवाइडेड कि ये वाली जो वेव है इसकी इंटेंसिटी आई है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। ओके, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो वेव्स अगर सुपर इम्पोज करें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 एंड cos phi। अब ये जो phi है दिस इज फेज डिफरेंस, एंड हमें मालूम है कि जो इंटेंसिटी होती है वेव की वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इस वेव की इंटेंसिटी आई है तो इस वाली वेव की जो इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर एम्पलीट्यूड चूंकि 2 times है, डबल है इसका, तो उसका स्क्वायर दैट मीन्स कि जो इंटेंसिटी इस वाली वेव की होगी वो 4 times होगी इसके। सो सेकेंड वेव जो है उसकी इंटेंसिटी 4 आई है अगर पहले वाले की आई है तो। ओके, सो I1 इज आई एंड I2 की जगह 4i हम रखेंगे। सो ये हुआ I1, सॉरी दिस इज आई और I2 की जगह 4i एंड प्लस 2 times I इंटू 4i एंड देन cos phi। अब इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है ये ओमेगा टी से पाई बाई 4 ज़्यादा और ये पाई बाई 4 कम है, सो द फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2। सो cos phi हो जाएगा cos पाई बाई 2, दैट इज cos 90 विच इज 0। तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज 5i। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ कोहरेंट वेव्स। ओके, दैट इज जो लाइट का इंटरफेरेंस है तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। सो लेट अस डिस्कस एडिशन ऑफ कोहरेंट वेव्स, एडिशन ऑफ कोहरेंट वेव्स। ओके, अब इसको डिस्कस करने से पहले हमें हमने ये रिजल्ट ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, ये हमें ध्यान में रखना है। दो कोहरेंट वेव्स सेम इंटेंसिटी की अगर किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज कर रही हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, प्रोवाइडेड इंटेंसिटी अगर सेम है तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है दैट इज गिवन बाय 4i0 cos स्क्वायर 5/2। ओके, इफ द इंटेंसिटीज आर इक्वल, आई नॉट इंडिविजुअल सोर्सेज की इंटेंसिटी है और अगेन phi जो यहाँ पर है दैट इज फेज डिफरेंस। ओके, सो द रिजल्ट एंड इंटेंसिटी इज 4i0 cos स्क्वायर 5/2। और एक चीज़ और हमने डिस्कस की थी, पाथ लेंथ और सॉरी पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन। सो अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स दिया हुआ है तो उसकी वजह से जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको समझने के लिए। ओके, अब एक एग्जाम्पल ये देखते हैं, से वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस पर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम टाइम पर ऊपर नीचे इस तरह से मूव कर रहे हैं।
वाटर सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव करेगा तो उसकी वजह से रिपल्स क्रिएट होंगी और वो रिपल्स जो होंगी वो सर्कुलर फॉर्म में उस सोर्स से दूर जाती हैं। सो से यहाँ पर दो सोर्सेज इस तरह से हैं, से दो पिन है, दो बॉल्स है, सेम टाइम पर ऊपर नीचे वाटर में मूव कर रही हैं, तो उसकी वजह से जो रिपल्स क्रिएट हो रही हैं वो सोर्स से दूर मूव कर रही हैं। अब उन रिपल्स में क्रेस्ट और ट्रफ ये दो रीजन्स होते हैं। क्रेस्ट दैट मीन्स जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल वाटर लेवल से मैक्सिमम हाइट पर है, और ट्रफ जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाटर पर जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल लेवल से मैक्सिमम सॉरी मिनिमम हाइट पर है, दैट मीन्स नीचे डिप्रेशन मैक्सिमम है। ओके, सो से ये एक सोर्स है S1 और ये दूसरा सोर्स है S2, और S1 पर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से ये रिपल्स इस तरह से मूव कर रही हैं, और यहाँ पर जो ये ऑरेंज लाइंस हैं इसको हम क्रेस्ट की तरह से ले लें और जो ब्लू लाइंस हैं उसको हम ट्रफ की तरह से ले लें। ओके, सो से द ऑरेंज विल रिप्रेजेंट क्रेस्ट एंड ब्लू कलर विल रिप्रेजेंट ट्रफ। ओके, सो सेम टाइम पर यहां से भी क्रेस्ट क्रिएट होगा और सेम टाइम पर यहां से भी क्रेस्ट क्रिएट होगा, दोनों सिंक्रोनाइज्ड वे में अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। ओके, अगर यहां पर एक क्रेस्ट क्रिएट हुआ तो ठीक उसी टाइम पर यहां पर भी एक क्रेस्ट क्रिएट होगा, और अगर यहां से एक ट्रफ दूर मूव करना स्टार्ट कर रहा तो यहां से भी उसी टाइम पर ट्रफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ओके, सो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों वेव्स आगे जाकर एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रही हैं, उनके एक जो डिस्टरबेंस आ रहा है S1 से और दूसरा डिस्टरबेंस S2 से जो आ रहा है वो दोनों एक ही पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, एंड देन उसी को हम कहते हैं सुपर पोजिशन, वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं। सो अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो सेम कलर की लाइंस सुपर इम्पोज कर रही हैं, जैसे यहाँ पर हैं दोनों ऑरेंज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों ब्लू है, एंड सिमिलरली यहाँ पर दोनों ऑरेंज हैं, दोनों ब्लू हैं, एंड सो ऑन। सो कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर सेम कलर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ऑरेंज हमने क्रेस्ट लिया है तो इस पॉइंट पर दोनों क्रेस्ट सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ओके, और इस पॉइंट पर दोनों ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो क्रेस्ट और क्रेस्ट अगर सुपर इम्पोज करेंगे, से ये क्रेस्ट है और ये दूसरा क्रेस्ट है, अब ये दोनों सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट दोनों मैक्सिमम है और सेम डायरेक्शन में है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वहाँ पर दोनों का सम होगा, मतलब बढ़ जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। और अगर किसी पॉइंट पर एक क्रेस्ट है और ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड में है और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट उतना ही डाउनवर्ड में है। अगर ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो दोनों एक दूसरे के डिस्टर्बेंस को कैंसिल आउट कर देंगे, सो इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो जहाँ पर सेम क्रेस्ट या ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहे हैं वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमाइज हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहे हैं वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ओके, प्रोवाइडेड यहाँ पर हम जीरो इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों की हाइट बराबर है। हाइट बराबर होने का मतलब कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, और एम्पलीट्यूड सेम होने का मतलब कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है। सो अगर इंटेंसिटी सेम है तो जहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ इंटरफेयर करेंगे वहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ओके, सो सेम कलर्स ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू ये सारे क्या है, पॉइंट्स हैं जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमाइज हो जा रहा है। और जहां पे दो डिफरेंट कलर्स सुपर इम्पोज कर रहे हैं वो एक क्रेस्ट और ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहा है, तो उन सारे पॉइंट्स पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी जीरो। इसका मतलब कि दो सोर्सेस से जो रिपल आ रही हैं जब वो सुपर इम्पोज करेंगी तो दोनों के सुपर पोजिशन के बाद एक नए टाइप का पैटर्न बनेगा। पहले क्या है, रिपल्स मूव कर रहा है, क्रेस्ट भी है ट्रफ भी है, लेकिन जब सुपर इम्पोज करेंगे दोनों तो कहीं पर तो हमें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिलेगा लेकिन कहीं पर डिस्प्लेसमेंट जीरो मिलेगा। ओके, सो दिस इज सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स एमिनेटिंग फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस। ओके, टू सिंक्रोनस सोर्सेस दैट मीन्स कोहरेंट सोर्सेज, और हमने अपने एग्जाम्पल में दोनों के इंटेंसिटीज भी सेम ली हैं।
अच्छा, अब एक चीज़ हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, सपोज ये दोनों सोर्सेज हैं S1 S2, दोनों को एक लाइन से हमने ज्वाइन किया है, और इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है, दिस परपेंडिकुलर बाईसेक्टर, उस बाईसेक्टर पे कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, लेट अस चूज अ पॉइंट O यहाँ पर एक ले लेते हैं। तो S1 से O तक की डिस्टेंस और S2 से O तक की डिस्टेंस सेम है। ओके, अब डिस्टेंस सेम होने का मतलब कि यहाँ से एक क्रेस्ट अगर चला होगा और वो यहाँ पहुँचा है, तो सेम उसी टाइम पर यहाँ वाला क्रेस्ट भी यहाँ पर पहुँच गया होगा। या अगर ट्रफ की हम बात करें, जैसे ब्लू लाइन है, तो यहाँ से ट्रफ जो चला था वो यहाँ पहुँचा है, तो ठीक उतने ही टाइम में यहाँ वाला ट्रफ भी यहाँ पर पहुँच गया है। सो अगर ऐसा हम कोई पॉइंट ले रहे हैं जिसकी डिस्टेंस दोनों सोर्सेस से दूर, दोनों सोर्सेस से सेम है, तो उस पॉइंट पर या तो क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहे होंगे, या फिर या तो ट्रफ ट्रफ मिल रहे होंगे या क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहे होंगे। दैट मींस कि वहां पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। तो इस परपेंडिकुलर बाईसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट की डिस्टेंस S1 और S2 से बराबर होगी। दैट मींस पाथ जो है उसकी लेंथ सेम है, पाथ डिफरेंस जीरो है, और पाथ डिफरेंस जब जीरो होगा तो जो फेज डिफरेंस है वो भी जीरो होगा। मतलब इस परपेंडिकुलर बाईसेक्टर के हर पॉइंट पर S1 और S2 से जो वेव्स हैं वो सेम फेज में सुपरइंपोज कर रही हैं उस पॉइंट पर। अगर सेम फेज है तो फिर वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है। ओके, सो लेट अस चूज पॉइंट फॉर पॉइंट ओ फ्रॉम द परपेंडिकुलर बाईसेक्टर on the perpendicular bisector such that S1O is equal to S2O. That means the waves will arrive in same phase. Okay, the phase difference is zero and path dono ka same hai, to पाथ डिफरेंस भी जीरो है एंड करस्पॉन्डिंगली द फेज डिफरेंस इज ऑल्सो जीरो। एंड ये सारे इस तरह के जितने भी पॉइंट्स होंगे, दे विल बी पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। एंड जो इंटेंसिटी होगी यहां पर, सिंस फेज डिफरेंस इज जीरो, देन इंटेंसिटी का ये जो फॉर्मूला हमारा है, यहाँ पर हम जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो हो जाएगा, एंड कॉस जीरो इज वन, सो द इंटेंसिटी इज फोर आई नॉट। ओके, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पर हो रहा है, दोनों पाथ सेम है, फेज डिफरेंस जीरो है, देन द इंटेंसिटी विल बी फोर आई नॉट। सो दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड द पॉइंट, वो जो पॉइंट है वहाँ पर हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा। ओके, अब कोई एक दूसरा पॉइंट चूज करते हैं, से यहां पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट S1 और S2 से सेम डिस्टेंस पर नहीं है। ओके, सो लेट अस चूज दिस पॉइंट P। सो फॉर सम पॉइंट P, जहां पर से S1 से और S2 से जो पाथ लेंथ है दोनों सोर्सेस से, उसमें टू वेवलेंथ के बराबर डिफरेंस है। ओके, टू लैम्डा का डिफरेंस है। ओके, सो लेट अस से एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल टू टू लैम्डा, दो वेवलेंथ के बराबर का पाथ डिफरेंस है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे ये एस वन है और यहाँ से सोर्स इस तरह से लिया जा रहा है, सॉरी वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव से, ये है पॉइंट P, और दूसरा जो सोर्स है S2, वहाँ से वे इस तरह से आ रही है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, दिस वन इज़ वन टू थ्री फोर फाइव एंड दिस इज सिक्स, तो एक और इधर हम बढ़ा लेते हैं। ओके, से ये S2 है। ओके, सो S2 से यहाँ तक का जो पाथ लेंथ है वो 8 लैम्डा है, और S1 से यहाँ तक की जो का जो पाथ लेंथ है
that is 6 lambda, then the difference S2P minus S1P is equal to 2 lambda. Now, अगर 2 lambda का path difference है, delta x 2 lambda के बराबर है, तो उसकी वजह से जो phase difference होगा, that will be 2 pi upon lambda into 2 lambda, it will be equal to 4 pi. Okay? The phase difference is 4 pi. Now, अगर phase difference 4 pi है, तो intensity क्या होगी, ये हम देख लेते हैं. हमारा जो formula है intensity का, I is equal to 4 I naught cos square phi by 2. Okay? Phi by 2 हम रखेंगे, 4 pi upon 2, that will be equal to simply 2 pi. And cos 2 pi, cos 0 के ही जैसा होता है. So, इसकी value भी 1 आ जाएगी, and the intensity is again maximum 4 I naught. इसका मतलब कि ये जो P point है, जहां पर path difference 2 lambda के बराबर है, वहां पर constructive interference हो रहा है. Okay? इसी तरह से, कोई और दूसरा point ले लेते हैं, जहां पर path difference जो है, वो lambda के बराबर है. Okay? So, for delta x is equal to lambda. दोनों sources से waves वहां पर पहुंच रही हैं, और दोनों के path में difference जो है, वो एक wavelength के बराबर है. Okay? So, इसकी वजह से जो phase difference होगा, that will be 2 pi upon lambda into lambda, that is 2 pi. And the intensity at that point will be 4 I naught and cos square 2 pi upon 2 is simply cos pi. And cos pi की value minus 1 होती है, लेकिन उसका square करेंगे तो plus 1 हो जाएगा. Okay? That means the intensity is again 4 I naught, और इस point पर भी interference constructive है. Okay? So, अब यहां से इसको हम generalize कर सकते हैं कि जब भी जो path difference है वो 0 है. अगर दोनों path बराबर है, जो perpendicular bisector हमने लिया था, path difference 0 है, या lambda है, या 2 lambda है, या 3 lambda है, उस पर भी हम check कर सकते हैं सारी values पर. So, इन सारी values पर check करने के बाद यही result आएगा कि path difference 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on. इस तरह से अगर है, तो उन सारे points पर interference constructive होगा. Okay? So, इसको conclude कर लेते हैं. इसका जो result है, so we can summarize or we can generalize, whenever for a point कोई भी general point से P है, for a point P, if the path difference from the two sources is either 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on, इस तरह का path difference है, तब जो corresponding phase difference होगा, delta phi की जो value होगी, वो होगी 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi and so on. अगर path difference इतना है, तो phase difference ये होगा, और इन सारे ही points पर जो intensity होगी, that will be maximum, that is 4 I naught, अगर हम coherent और identical sources की बात कर रहे हैं. Intensity will be maximum 4 I naught, and in sare points ko hum bolenge the points of constructive interference. Okay, iska matlab ki ye constructive interference ki condition ho gayi ki do sources se light kisi point par pahunch ke superimpose kar rahi hai, to agar phase difference 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda, sorry, path difference 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda, या phase difference 0, 2 pi, 4 pi and 6 pi ऐसा है, तो उस point पर constructive interference हो रहा है. Okay? So, इसको हम लिख सकते हैं कि this is the condition for constructive interference. Okay. So, path difference अगर 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda इस तरह का है, तब तो constructive interference होगा. अब कोई दूसरी values choose कर लेते हैं. Let us say, let us consider a point Q, okay, जहां पर path difference 2.5 lambda है, okay, where S2Q minus S1Q is equal to 2.5 lambda. इस तरह से अगर है,
देखें, फॉर एग्जांपल जैसे ये ले लिया हमने, ये S1 है और यहाँ से वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, 1, 2, 3, 4, और S2 से जो वेव ट्रेवल करके आ रही है वो कुछ इस तरह से है, 1, 2, 3, 4 एंड 4.5, दो वेव और इधर बढ़ा लेते हैं, ओके ये S2 है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड हाफ, और यहाँ से 1, 2, सो दिस इज 6.5 लैम्डा, और ये वाला जो पाथ डिफरेंस है 1, 2, 3, 4, ये 4 लैम्डा है। देन यू कैन सी द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2.5 लैम्डा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर S1 से एक क्रेस्ट पहुंच रहा है और S2 से उसी टाइम पर S1 से ट्रफ पहुंच रहा है इस पॉइंट पर और S2 से एक क्रेस्ट उस पॉइंट पर पहुंच रहा है। सो यू कैन गेस कि क्या होगा। ओके, सो ऐसे पॉइंट पर जहां पे पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा है, या इसको हम लिख सकते हैं 5/2 लैम्डा, द करिस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2π/λ इंटू 5/2 λ, दिस इज इक्वल टू 5π, ओके द फेज डिफरेंस इज 5π एंड द इंटेंसिटी विल बी 4i0 cos² 5π/2, ओके सो ऑड पाई बाई टू के जितने जो भी ऑड मल्टीपल्स होते हैं उन सब पर कॉस की वैल्यू जीरो होती है। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो है। अगर इंटेंसिटी जीरो है इसका मतलब कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यहां पर जो वेव्स हैं वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, लेट अस चूज सम अदर वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस। अभी हमने 2.5 लैम्डा लिया था, अभी हाफ लैम्डा ले लेते हैं या 1.5 लैम्डा ले लेते हैं। लेट अस से फॉर अ पॉइंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.5 लैम्डा और 3/2 लैम्डा, इस तरह का पाथ डिफरेंस है। देन द फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2π/λ इंटू 3/2 λ इज इक्वल टू 3π। ओके, the phase difference is 3π and the intensity will be 4i0 cos² 3π/2, again odd multiple of pi by 2, so cos is 0, the intensity is 0। okay, so ab yahan se hame kya samajh mein aaya ki jahan kahin par bhi phase difference 5/2 λ ya 3/2 λ ya λ/2, half lambda, और जनरल वे में हम कह सकते हैं कि λ/2 का ऑड मल्टीपल्स, λ/2, 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2, सो ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2, अगर इतना पाथ डिफरेंस है तो उन सारे पॉइंट्स पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके, सो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Whenever delta x is equal to λ/2 or 3λ/2 or 5λ/2 and so on, अगर पाथ डिफरेंस इतना है तो करिस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस जो होगा वो ये हो जाएगा पाई एंड देन 3π एंड 5π एंड सो ऑन। जो फेज डिफरेंस हमें मिलेगा वो होगा इस तरह से पाई 3π एंड सो ऑन एंड द इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी जीरो, दैट मींस मिनिमम। रिमेंबर यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो हम तब ले रहे हैं जब दोनों इंडिविजुअल सोर्सेज की इंटेंसिटी बराबर है। अगर इंटेंसिटी बराबर नहीं होगी तो ये फिर अंडर रूट I1 - I2 होता है, जैसा हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होगी वो हमने डिस्कस किया था। अब दोनों को एक साथ हम नोट कर लेते हैं
कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो लेट अस समराइज द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। सो व्हाट इज द समरी ऑफ द डिस्कशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस, कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है एस टू पी डिफरेंस एस वन पी, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ये जो होना चाहिए ये होना चाहिए जीरो और लैम्डा और टू लैम्डा और थ्री लैम्डा एंड सो ऑन। इस तरह से इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं जनरल वे में, इट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, जहां पर एन की वैल्यू जो है वो जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, इस तरह से स्टार्ट हो रही है। ओके, सो व्हेनेवर द पाथ डिफरेंस इज एन लैम्डा वेयर एन इज दिस, द करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस विल बी, जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी जीरो और टू पाई और फोर पाई एंड सो ऑन। और इसको अगर हम एन के टर्म में लिखना चाहें सो आई कैन राइट टू एन पाई वेयर अगेन एन इज इक्वल टू जीरो वन टू एंड सो ऑन। सो अगर ये फेज डिफरेंस है और ये पाथ डिफरेंस है देन इंटेंसिटी जो होगी वो फोर आई नॉट होगी एंड द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। ओके, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एस टू पी माइनस या डिफरेंस एस वन पी दैट इज डेल्टा एक्स, ये जो डेल्टा एक्स होगा वो लैम्डा बाई टू होगा, थ्री लैम्डा बाई टू होगा, फाइव लैम्डा बाई टू एंड सो ऑन, इस तरह का होगा। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, इस तरह से, जहाँ पर इनकी वैल्यू जो है वो इसी तरह से जैसे यहाँ पर 0, 1, 2 ले रहे हैं ऐसे यहाँ पर भी 0, 1, 2 ले लेंगे। ओके एंड सो ऑन, इस तरह से व्हेन इट इज 0 द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 एंड फॉर एन इज इक्वल टू 1 द पाथ डिफरेंस इज 3 लैम्डा बाई 2 एंड देन सो ऑन। तो इस तरह का अगर पाथ डिफरेंस है तो इसका करेस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई दैट विल बी इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। सो इसको हम लिख सकते हैं जनरल वे में इट विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 ओके 2n प्लस 1 पाई, n इज इक्वल टू 0 इट इज पाई, ओके करेक्ट, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, अदरवाइज आगे जब अभी हम देखेंगे लाइट का इंटरफेरेंस तो उसमें ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक बार देख लेते हैं लास्ट टाइम, व्हेन द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा द करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई 2 एन पाई एंड ये दोनों कंडीशंस अगर हैं इसका मतलब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 या फिर ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 इस तरह का है तब वहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो पाई 3 पाई एंड 5 पाई होगा, उसको जनरल वे में हम इस तरह से लिख सकते हैं और वो हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस। इस तरह से रिजल्ट्स याद करना ज़रूरी नहीं है, हमें ऐसे पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस क्या होता है। बस अगर पाथ डिफरेंस हमें मालूम होगा तो करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस भी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ओके, सो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के केस में या तो जीरो या फिर लैम्डा या टू लैम्डा एंड देन सो ऑन। ओके, बिकॉज आफ्टर एवरी वेवलेंथ जो वेव की सिचुएशन होती है वो फिर से वही हो जाती है जो जीरो पर होती है। ओके, से जैसे मान लो कि यहाँ से वेव स्टार्ट कर रही है तो इस टाइम पर जो फेज होगा एक वेवलेंथ के बाद फिर वो उसी फेज में आ जाती है। सो अगर पाथ डिफरेंस जीरो है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब क्रेस्ट और क्रेस्ट या ट्रफ और ट्रफ सुपर इम्पोज हो रहे हैं
तो फिर जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा तो फिर उस पॉइंट पर क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ ही पहुंचेंगे। ओके, फिर से वेव जो होगी वो सेम फेज में आ जाएगी। सो हर एक लैम्डा के बाद वेव का जो फेज होता है वो रिपीट हो जाता है। ओके, सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस कि अगर फेज डिफरेंस सॉरी पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन इस तरह का है तब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर लैम्डा बाई 2 है सो लैम्डा बाई 2 हाफ वेव लेंथ के बाद जो फेज होता है वो 180 डिग्री चेंज हो जाता है। वेव का फेज 180 डिग्री चेंज हो जाता है। 180 डिग्री फेज चेंज होने का मतलब कि क्रेस्ट जो था वो अब ट्रफ हो गया है। सो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है इसका मतलब एक क्रेस्ट आ रहा है और फिर उसके नीचे दूसरा ट्रफ आ रहा है। सो ऐसा सुपर पोजिशन होगा तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट या इंटेंसिटी क्या होगी मिनिमम हो जाएगी। ओके, सो लैम्डा बाई 2 जो पाथ डिफरेंस होगा ये 180 डिग्री या पाई रेडियन का फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, उसकी वजह से ट्रफ के नीचे सॉरी क्रेस्ट के नीचे ट्रफ इस तरह का सुपरपोजिशन होगा। सो लैम्डा बाई 2 की वजह से अगर लैम्डा बाई 2 या फिर उसके बाद एक लैम्डा इसमें और जोड़ दें तो 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, उसमें फिर एक लैम्डा और जोड़ दें, अभी हमने डिस्कस किया एक लैम्डा के बाद फिर से वो फेज रिपीट हो जाता है। सो जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे या लैम्डा बाई 2 में जितने भी हम लैम्डा ऐड करते चले जाएं वो जो पाथ डिफरेंस होंगे उन सब की वजह से अगर हाँ इतना पाथ डिफरेंस है तो उस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ओके ओके, सो अभी तक हमने बात किया कि दो वेव्स सुपर इम्पोज हो रही हैं तो कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम और कहीं पर मिनिमम हो जाती है और उसी को हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। नाउ अब लाइट की बात करते हैं कि लाइट दो सोर्सेज दो कोहरेंट सोर्सेज से लाइट ट्रेवल करके किसी पॉइंट पर आकर सुपर इम्पोज हो इंटरफेयर करे तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा। ओके, सो या अब जैसे हमने देखा कि दो वेव्स हैं कोई भी इन जनरल वेव्स लाइक साउंड या वाटर सर्फेस पर हम डिस्कस कर रहे थे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जा रही है और कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जा रही है जीरो हो जा रही है। सो उसी तरह से लाइट के केस में जहाँ जिस पोर्शन में लाइट दो सोर्सेज से आकर इंटरफेयर कर रही है तो जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो पोर्शन हमें ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा और जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम है वो रिलेटिवली डार्क दिखाई देगा। और अगर दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी बराबर हैं जैसे भी हमने देखा था कि दोनों सोर्सेज से क्रेस्ट और ट्रफ सेम हाइट के हों तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो उसी तरह से दो लाइट सोर्सेज कोहेरेंट हैं सेम इंटेंसिटी के मतलब आइडेंटिकल हैं तब जहाँ पर वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे वो रीजन या पोर्शन जो होगा वो कम्प्लीटली डार्क होगा। ओके, तो इस तरह से क्या होगा कि एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जनरली हमारे ऑर्डिनरी सिचुएशन में क्या होता है दो लाइट सोर्सेज इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज हम लेते हैं तो उसकी वजह से एक ब्राइट स्पॉट है और दूसरा उसी के ऊपर जब फ्लैश करेंगे तो ब्राइटनेस जो होती है वो डबल हो जाती है। लेकिन अगर इसी को हम कोहरेंट सोर्सेज के साथ करेंगे तब जो इंटरफेरेंस जिस रीजन में इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे हमें कुछ ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देंगे मतलब वहाँ पे लाइट कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है और कुछ डार्क स्पॉट्स दिखाई देंगे जहाँ पर लाइट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। ओके, सो इसका मतलब कि जो इंटेंसिटी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। ऑर्डिनरी सिचुएशन में इंटेंसिटी एक के ऊपर एक डबल हो गई ऐड हो गई, लेकिन इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा कि इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जहाँ पर मैक्सिमम है वो ज़्यादा मैक्सिमम हो गया और जहाँ पर मिनिमम है वो कम्प्लीटली अगर सेम आइडेंटिकल सोर्सेज है तो जीरो हो गया। ओके, सो इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही दैट मीन्स एनर्जी जो है वो भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इंटरफेरेंस इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आफ्टर द सुपरपोजिशन व्हेन द इंटेंसिटी एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है देन such a phenomenon is called interference of light. Okay, and इस जब ये argument चल रहा था कि light wave है या particle है तो Huygens ने जो अपना idea propose किया था कि light wave होती है उस time पर जो सबसे बड़ा question था वो यही है कि अगर light wave है तो उसमें हमें interference pattern दिखना चाहिए। नाउ अब कई सारे लोगों ने इंटरफेरेंस पैटर्न देखने की कोशिश की डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे बिकॉज दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बाद में थॉमस यंग ने इसी एक्सपेरिमेंट को एक ही
परफॉर्म किया, एक ही सोर्स लेके उसको दो सोर्स में डिवाइड कर दिया, एंड देन फिर थॉमस यंग ने देखा इसकी स्क्रीन पर वो ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स जो थे वो दिखाई दे रहे थे। ओके, सो हम जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो हमें डिस्कस करना है। अब यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सो उसमें जहाँ पर लाइट कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है वो रीजन हमें एक ब्राइट स्ट्रिप के फॉर्म में दिखाई देता है, ब्राइट पोर्शन, स्ट्रिप्टिकल ब्राइट पोर्शन दिखाई देता है, फ्रिंज हम उसको बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज है, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है वो हमें एक डार्क स्ट्रिप, डार्क फ्रिंज की तरह से दिखाई देती है। सो वो जो यंग्स का जो डबल स्लिट YDSE जिसको हम कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो एक बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में परफॉर्म किया जाता है, और उसमें जो एपरेटस होता है दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, बट आई विल ट्राई टू शो यू द जनरल इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट फ्रॉम टू सोर्सेस। नाउ आई विल ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी लेजर टॉर्च है और ये कार्ड है, इस पर हमने दो स्लिट्स, बहुत नैरो स्लिट्स और उनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम है, स्लिट्स भी कट की हैं हमने, और इस पर हमने दो पिन होल्स भी बनाए हैं। ओके, सो आई विल ट्राई टू शो यू इफ यू कैन सी द टू स्लिट्स, टू नैरो एंड क्लोजली स्पेस्ड स्लिट्स, आई होप यू कैन सी, ओके, दीज आर द टू लाइन्स, टू स्लिट्स, वेरी नैरो स्लिट्स, एंड उनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम है, अराउंड 1 millimeter और सो, आई थिंक 1 or 2 millimeter। ओके, एंड ये हमने एनसर्किल किया हुआ है, इफ यू कैन सी देर आर टू पिन होल्स, ओके, दो पिन होल्स हैं। सो ये जो ऑर्डिनरी लेजर टॉर्च है इसको इस पर हम फ्लैश करें, सो यू कैन सी अ ब्राइट स्पॉट। ओके, सो इस तरह का ब्राइट स्पॉट जो बन रहा है वो एक एविडेंस है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ओके, यू कैन सी बिना किसी ऑब्स्टेकल के जब लाइट ट्रेवल करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हम उसका वेव नेचर नहीं देख सकते हैं। बट अगर इसी लाइट को हम इन दोनों स्लिट्स या दोनों जो होल्स हमने बनाए हैं उससे जब पास करेंगे, सो हमने देखा था कि एक सोर्स है उसको दो होल्स या दो स्लिट्स से हम पास करेंगे तो वो दोनों स्लिट्स जो होंगे वो कोहरेंट सोर्सेस की तरह से काम करेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्लिट्स और होल्स यू कैन सी एक सिर्फ ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है, और ब्राइट स्पॉट है, डार्कनेस कहीं नहीं दिखाई दे रही, जितने पार्ट में लाइट पड़ रहा है यहाँ वो सारा पार्ट ब्राइट है, एंड बट अगर इंटरफेरेंस होगा तो जहाँ जहाँ भी लाइट पहुँच रही होगी उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पर ब्राइटनेस होगी और कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पर डार्कनेस होगी। इन द एरिया ऑफ फ्लैश, जहाँ जो लाइट जितने रीजन में पहुँच रही है उस पूरी बाउंड्री में कहीं पे लाइट होगी और कहीं पे डार्कनेस भी होगी, यू कैन सी दैट। ओके, सो लेट अस ट्राई टू डू दैट, उसके लिए हमें थोड़ा सा लाइट कम करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरह से ये जो होल्स हैं इसको हम इसका जो लाइट बीम इसमें से निकल रही है उसके ऊपर रखेंगे। अब अगर लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, उसका कोई वेव नेचर नहीं होता, तो दो होल से लाइट अगर पास हो रही होगी तो हम ये सपोज करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दो रेज बोर्ड पर आकर इंसिडेंट होंगी और उसकी वजह से हमें दो ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देने चाहिए, लेकिन चूंकि लाइट वेव है इसलिए ऐसा नहीं होगा। दो होल से जब लाइट निकलेगी तो वो दोनों कोहरेंट सोर्सेज की तरह से काम करेंगे और इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा हमें, मतलब जितने पोर्शन में लाइट इंसिडेंट होगी वहां पर कुछ ब्राइट और कुछ डार्क स्पॉट्स दिखाई देंगे। सो लेट अस ट्राई टू डू दैट। ओके, पहले हम इसको होल्स से करेंगे। नाउ यू कैन सी, कैन यू सी द पैटर्न, जितने पोर्शन में लाइट पड़ रही है उसमें कुछ पोर्शंस हैं जो ब्राइट हैं और कुछ पोर्शंस जो हैं वो डार्क हैं, यू कैन सी हियर। ओके, हमें हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर दो पिन होल्स से लाइट पास हो रही है तो दो ब्राइट स्पॉट्स दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ पर यू कैन सी नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स। ओके, एंड उन सारे ब्राइट स्पॉट्स के बीच में कई सा जो रीजन्स हैं वो सब डार्क हैं,
सो ऐसा इसलिए पॉसिबल है बिकॉज लाइट जो है वो इंटरफेयर कर रही है, जहाँ जहाँ पर ब्राइट दिख रहा है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जहाँ जहाँ उनके बीच में डार्कनेस है वो इस वजह से है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके इंटेंसिटी वहाँ पर जीरो हो जा रही है. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू डू दैट विद द स्लिट्स. ओके, आई होप अब इसमें हम ये जो स्लिट्स या होल्स हैं इसको, ये हमारा स्क्रीन जो ब्लैक बोर्ड ये स्क्रीन है, इससे हम जितना दूर ले जाएंगे तो वो जो उसका स्प्रेड है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न का स्प्रेड है वो उतना बढ़ जाएगा. ओके, जितना दूर हम ले जाएंगे सो जो पैटर्न है वो उतना बड़ा हमें दिखाई देगा. नाउ अब जो लैब में परफॉर्म किया जाता है सो उसमें जो अपैरेटस होते हैं दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, और उससे हमें एक स्टेबल पैटर्न देखने को मिलता है. बट यहाँ पर हमने एक ऑर्डिनरी लाइट ली हुई है और इसको हमने नीडल से इसमें होल बनाया है. होल्स जो हों वो हो सकता है उनका साइज़ डिफरेंट हो, अगर साइज डिफरेंट होगा तो इंटेंसिटी जो होंगी वो दोनों होल से अलग अलग पास होंगी. ओके, लेट अस ट्राई टू डू दैट विथ द टू स्लिट्स. ओके, आई विल होप टू शो यू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ओके, सो अभी जो लाइट है वो दो स्लिट्स से पास कर रही है, एंड यू कैन सी जो पोर्शन है जो पोर्शन में लाइट इंसिडेंट हो रही है उसमें अब ये उतना अच्छा अपैरेटस हमारा नहीं है, इसलिए हमें फ्रिंजेस नहीं दिखाई दे रही हैं, मतलब उतना क्लियरली उतना कंट्रास्ट अच्छा नहीं बन रहा है यहाँ पर. बट यू कैन सी कि बीच में एक ब्राइट पोर्शन है और उसके बाद बीच थोड़ा सा डार्कनेस है, एंड देन फिर एक ब्राइट पोर्शन है, फिर उसके बीच में हल्की सी डार्कनेस है. क्योंकि इसको हमने हाथ में पकड़ रखा है, इसको अगर हम कहीं फिक्स करेंगे तो जो पैटर्न है वो भी फिक्स बनेगा. सो हाथ हिलने की वजह से पैटर्न थोड़ा सा हिल रहा है, बट आई होप यू कैन सी कि दो ब्राइट स्पॉट्स के बीच में डार्कनेस है, यू कैन सी दैट. सो इसी को और सोफिस्टिकेटेड अपैरेटस के साथ अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमें ये जो डार्कनेस और ब्राइटनेस है वो उसका पैटर्न जो काफ़ी स्टेबल दिखाई देता है. सो जो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें दो स्लिट्स ली गई थी, तो उससे नाउ यू कैन सी. ओके, यू कैन सी इट इज़ मच बेटर. यू कैन सी, वाओ, वेरी गुड. यू कैन सी द ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स आर कम्प्लीटली सेपरेटेड दिस टाइम. ओके, आई हैव डन इट. ओके, यू कैन सी दिस. सो अब इसको और अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे अपैरेटस से लेकर उसको फिक्स करके और थोड़ा सा रूम में हम और डार्कनेस बढ़ा दें तो हमें ये पैटर्न और अच्छा दिखाई देगा. नाउ यंग्स ने जो परफॉर्म किया था सो उसमें शुरू में उन्होंने पिन होल्स लिए थे और सनलाइट के साथ परफॉर्म किया था, बाद में अब उसको स्लिट्स के साथ परफॉर्म किया था तो फ्रिंजेस बन रही थी. ओके, फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स, फॉर एंथुजियास्ट फिजिक्स स्टूडेंट्स, दिस इज अ रिमार्केबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ. दिस इज ट्रूली अ रिमार्केबल मोमेंट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टू कोहेरेंट सोर्सेस. ओके, थैंक यू वेरी मच. ओके, सो दिस वॉज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फॉर यू. अब हमें डिस्कस करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. सो सबसे पहली बार यंग, थॉमस यंग ने ही इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर देखा था. सो थॉमस यंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एक पिन होल से
एक प्राइमरी सोर्स लिया, उससे जो लाइट पास हो रही थी उसको एक होल से लाइट पास किया, और फिर उस लाइट को जो होल से आ रही है उसको दो अलग अलग स्लिट्स से डिवाइड कर दिया। सो ओके, सो यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट हियर, एंड देन इससे जो लाइट पास हो रही है उसको हमने एक होल से पास किया है। सो ये हमारा प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, ये जो होल होगा, एंड देन इस होल के सामने हमने दो स्मॉल होल्स और कट किए हैं, से एक होल यहाँ पर है S1 और दूसरा होल जो है वो यहाँ पर है S2। ओके, अब इन दोनों होल से लाइट जब आगे प्रोपेगेट करेगी तो फिर वो इंटरफेयर करेगी एक दूसरे के साथ, एंड देन वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देता है। ओके, अब जैसे अभी हमने वाटर सरफेस के साथ बात किया था और वाटर सरफेस पे जो वेव्स थी उसके साथ बात किया था, तो S1 S2 का जो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर होता है, सो S1 S2 का जो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर होगा ये, से दिस पॉइंट इज O, तो O पॉइंट पर S1 और S2 से जो डिस्टेंसेज हैं, जो ऑप्टिकल पाथ्स हैं, वो बराबर होंगे। इसका मतलब S1 और S2 से वेव O पर सेम फेज में पहुंचेगी। अब अगर सेम फेज में पहुंच रही है तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, इसका मतलब हमें यहां पर एक मैक्सिमा दिखाई देगा, दैट मीन्स हम एक ब्राइट स्पॉट देखेंगे। अब ब्राइट स्पॉट को हम स्केमेटिकली, उसको हम ज्योमेट्रिकली डायग्राम बना के हम इस तरह का पीक शो कर रहे हैं सिर्फ डायग्राम के लिए, अदरवाइज ये ब्राइट स्पॉट है वो तो देखने से पता चलेगा। सो पीक का मतलब कि द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम हियर, एंड देन उसके बाद क्या होता है, जो लैब में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है उसमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है उसमें स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं। सो द सेंट्रल स्ट्रिप जहाँ पर S1 और S2 से पाथ बराबर है, सेम फेज में लाइट पहुँच रही है, वो सेंट्रल स्ट्रिप ब्राइट होती है, एंड देन उस ब्राइट स्ट्रिप के दोनों तरफ डार्क स्ट्रिप्स होती हैं। सो इधर इंटेंसिटी मिनिमम और इधर भी इंटेंसिटी मिनिमम है, एंड देन दोनों डार्क स्ट्रिप्स के बाद फिर अभी ब्राइट स्प्रिट दिखाई स्ट्रिप दिखाई देती है। तो इस तरह से जो सेंट्रल ब्राइट है उसके दोनों तरफ हमें ऑल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट स्ट्रिप्स दिखाई देती है। तो ये इंटेंसिटी के टर्म में ये इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ इस तरह का होता है, द सेंट्रल ब्राइट एट विच द टू वेव्स आर इन सेम फेज और द पाथ्स आर सेम, एंड देन उसके दोनों तरफ डार्क स्पॉट्स होंगे, डार्क फ्रिंजेस होंगे, एंड देन उसके बाद ब्राइट फ्रिंजेस एंड सो ऑन ऑल्टरनेटली। ओके, सो इसी को हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और YDSE। ये दोनों सोर्सेज जो होंगे वो कोहरेंट होंगे, इससे वेव्स एमिनेट होंगी एंड देन वो इंटरफेयर करेंगी, और जो इंटरफेयरिंग रीजन है उसमें हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट टाइम हम ये बात करेंगे और वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अभी तक जो डिस्कस किया एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चीज़ें थी, एंड फिर अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न में जो ये फ्रिंजेस होती हैं उसमें किस फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी। जैसे ये सेंट्रल ब्राइट है, एंड देन उसके बाद जो पहला डार्क होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डार्क, एंड देन उसके बाद जो ब्राइट होता है, सो दिस इज सेंट्रल ब्राइट एंड देन फर्स्ट डार्क एंड देन फर्स्ट ब्राइट एंड सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट एंड सो ऑन, ऊपर भी और नीचे भी इस तरह से। सो किसी पर्टिकुलर ब्राइट या किसी पर्टिकुलर डार्क की पोजीशन कैसे हमें पता चलेगी, और फिर हम ये देखेंगे कि जो स्ट्रिप्स होती हैं उनकी विड्थ क्या होती है, सारी डार्क और ब्राइट की जो विड्थ होती है वो बराबर होती है या डिफरेंट होती है, और जो विड्थ होती है या जो पोजीशन होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।